हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, इवनिंग क्लास गुड इवनिंग. एम आई ऑडिबल? जी ओके, नमस्ते नमस्ते। सभी को. नमस्कार और गुड इवनिंग. होप आप लोगों ने, गुड सभी इवनिंग। ने केस रीड किया होगा. कुछ लोगों ने तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन सभी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आप लोग प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं केसेस को? हेलो, क्या कारण है जो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं केसेस को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है बॉस, आवाज आ रही है। चलिए, मतलब आप ही खामोशी ये बता रहे हैं कि या तो आप व्यस्त हैं या नहीं करना चाह रहे हैं अभी. नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे इसका भी जोश और शोर बढ़ेगा. चलिए, हम पहले देखते हैं कि जो हमारे पास केस था, पहले हम उसको रीड करेंगे, है ना? तो केस पे आते हैं हम. सबसे पहले जो आज का केस था, उसमें था कि 42 साल के एक व्यक्ति थे जो हमारे पास आए थे कंप्लेन लेके, वेरिकोज वेन, जो इनके पैरों में थी, दोनों साइड काफ रीजन में थी. इनको काफ में पेन होता था, बेसिकली दुखन होती थी. दुखन अक्सर करके ये शब्द यूज करते हैं पेशेंट, दुखन. उसके बाद इनको जो कंप्लेन थी वो था कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, स्पेशली एट नाइट. दिन में तो ये काम में व्यस्त रहते थे, और जब ये व्यस्त रहते थे तो उनको कुछ नहीं होता था. ये गोल्ड मेकिंग का काम था इनका. यूजली गोल्ड मेकर्स जो काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ जो काम करते हैं, आपने देखा होगा, बैठ करके काम करने का होता है. लेकिन इनको शुरू से ही आदत थी कि ये खड़े रह के काम करते थे, और यही कारण था इनके जो लगातार खड़े रहने की वजह से इनको वेरिकोज वेन का ये दिक्कत आई भी थी. ठीक है, उसके बाद क्या, इनकी वाइफ ने बताया कि जब भी ये काम करते हैं बहुत पेशेंटली काम करते हैं, कितना भी टाइम लग जाए उनको कोई मतलब नहीं. काम करते समय इनको खाने का भी ध्यान नहीं रहता, और यदि कोई टोकता है उस टाइम पे खाने के लिए, इनसे बोलता है कि खाना खा लो या बात कर लो या ये काम रह गया, या इनसे कोई बात करने की कोशिश करता है, तो ये गुस्सा होते हैं. मतलब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे काम के दौरान इनको कोई टोके. इसीलिए इनकी मार्केट वैल्यू जो थी वो बहुत अच्छी थी. इनको हर कोई, जो गोल्ड बनवाने वाले हैं, वो हर कोई इनको बहुत जल्दी ऑर्डर देते थे. इनके काम की वैल्यू, ये अपने मन से काम करते थे तल्लीनता से, है ना? और काम का तो ऐसा भूत था कि बीमार भी होते हैं तो काम करेंगे, और इनको बीमारी से छुटकारा भी इसी से मिलता था, उसको आराम मिलता था. ऐसा नहीं कि वो बर्डन समझता हो काम को. ठीक है, कोई काम मालिक देगा तो खत्म करके ही खाना खाएगा, इतना जुनून था इसको काम को लेकर. जब तक काम खत्म नहीं करेंगे कुछ नहीं दिखता, चाहे घर में आग लग जाए. तो इस लेवल की इसके अंदर इस चीज को, काम को लेकर जरूरत था. थर्मल थर्स्ट, इसकी चिली थर्सनेस था ये. स्टूल अगेन, जैसे कल का केस था, ऐसे कॉन्स्टिपेटेड था, ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन रहता था. ये नहीं कहेंगे कि परमानेंट कॉन्स्टिपेशन था, लेकिन ऑन एंड ऑफ रहता था, और आजकल हार्ड स्टूल बता रहे थे. परस्पिरेशन इनको मॉडरेट था. यूरिनेशन मैंने बता ही दिया कि यूरिनेशन इनको फ्रीक्वेंट हो रहा है रात में. स्लीप नॉर्मल थी.
और रात में ये काफ पेन बताते, काफ में जो दुखन है वो बताते हैं। बेसिकली इज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एक्सट्रोवर्ट था बट काम की वजह से कम लोगों से घुलना मिलना होता था, काम में तल्लीन होने की वजह से काम के टाइम पे बात करना भी कम पसंद करते, इससे डिस्ट्रैक्शन हो, काम से डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए। अदरवाइज जब आप बात करोगे तो बड़े आराम से बात करेंगे। एक एक खास चीज थी इनके अंदर, जैसे मैंने एक चीज देखी थी कि जैसे काम कर रहे हैं और वो तो चीज बता ही चुके हैं कि काम करते वक्त अगर टोकोगे तो इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन बाद में भी अगर काम की बात कर दो इनसे तो ये पूरे काम की बात बताएंगे, हम कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो इनको पसंद था, मतलब काम बहुत लगा था काम से। ठीक है, तो बेसिकली ये केस था। और सुबह के टाइम सबसे पहले इसके अंदर इनका नाम मैं नहीं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का पहले सबसे पहले ये आया था मेरे पास। तो इन्होंने 3 रूब्रिक उठाए थे, 3 रूब्रिक्स के अंदर जो इन्होंने रूब्रिक लिए थे, इसमें पहला रूब्रिक इन्होंने लिया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बिल्कुल ले सकते हैं हम, इंडस्ट्रियस थे, काम को लेके इंडस्ट्रियस थे, बिल्कुल ले सकते हैं। और दूसरा इन्होंने जो रूब्रिक लिया था दैट इज टूल हार्ड, इसको भी ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो। एक्सट्रीमिटी पेन नाइट, बट ये देखिए बहुत जनरलाइज्ड रूब्रिक हो गया। देखिए कोई भी रूब्रिक आप उठाते हो ना तो इसमें ये देखो कि हम कैसे उठा रहे हैं, हम इन क्लासेस में सीख के रहे हैं कि हम क्या चीज उठा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंस है उसका। तो इन्होंने सिर्फ 3 चीजें उठाई, उसमें बहुत जनरलाइज चीजें उठाई, तो इससे आप देख सकते हो 7 डिग्री की तो इसके अंदर 4 मेडिसिन दिखी रही है, ऑरम, लेकेसिस, प्लम्बम, ट्यूबोक्लेमम, देन फिर लाइको, मर्क, मिजेरियम, नक्सोमिका, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, सभी कवर कर रही हैं सिम्टम्स को। तो बेसिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हमारी कौन सी मेडिसिन इसके अंदर होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा देखना थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाएगा कि भाई क्या इसमें हम निकाल सकें। तो जो बहुत बड़ा रूब्रिक इन्होंने ले लिया एक्सट्रीमिटी पेन नाइट, इसको थोड़ा सा हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, पर देखेंगे आगे कैसे कर सकते हैं। इट्स गुड जो इन्होंने लिया, इन्होंने ऑरम दिया, वेरी गुड, इसके लिए मैंने अप्रिशिएट भी किया इनको। देखिए सबसे पहले डेयर करना चीज को निकाल करके बहुत अच्छी बात है और हम चीजों से ही सीखेंगे। नेक्स्ट जो मेरे को ये आंसर भेजा था इन्होंने, ललिता जी ने भेजा था, डॉक्टर ललिता जी ने भेजा है, इन्होंने लिया है, इन्होंने भी लिया है माइंड इंडस्ट्रियस इन्होंने भी लिया है, और साथ ही साथ इन्होंने भी स्टूल हार्ड लिया है, ये भी ठीक है। एक्सट्रीमिटी वेरिकोस वेन लेग्स काफ, इन्होंने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा कट शॉर्ट कर दिया। उसके बाद हीट, लैक ऑफ हीट, वाइटल हीट, ये क्यों लिया ये रूब्रिक आपने? अगर आप ललिता जी अभी हैं क्या यहाँ पर क्लास में है प्रेजेंट? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बॉस। तो ललिता जी क्लास में है क्या प्रेजेंट? अगर हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें, मैं ये जानना चाहता हूँ आपने ये रूब्रिक क्यों उठाया, क्योंकि ये रूब्रिक लाइक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अगर आप ललिता जी हैं? है नहीं, कोई बात नहीं। चिली के लिए अगर आपने ये रूब्रिक उठाया तो ये नहीं उठाना है हमें। थर्मल थर्स्ट हम वैसे जनरलाइज वे में करते हैं, इस तरीके से नहीं देखते, ठीक है। दूसरा, मैं वेरिकोस वेन को लेके, कई लोगों ने काफ रीजन का ये वेरिकोस वेन लिया था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा कि जैसे हम काफ का वेरिकोस ले रहे हैं, वेरिसिस ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, बहुत उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अभी नहीं करना हमको।
जब भी हम पैथोलॉजी में चल रहे हैं तो हमको ये देखना है कि पैथोलॉजी मार गई। अच्छा पूरे केस में एक बात बताओ मुझे, कितने लोग हो अभी पूरे केस के अंदर? मुझे आप ये बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्या चीजें आ रही हैं, फिजिकल्स ज्यादा आ रहे हैं कि मेंटल्स ज्यादा आ रहे हैं, क्या प्रेडोमिनेंट दिख रहा है? मेंटल ज्यादा मेंटल ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारा केस सिलेक्शन रेमेडी के लिए वहीं से स्टार्ट करना चाहिए हमें, ठीक है? आप देखो अगला बंदा फिजिकली पीड़ित है, लेकिन फिजिकली क्या करता है वो? एक ही काम तो करता रहता है ज्यादातर, है ना? तो बेसिकली क्या है, वो कहीं ना कहीं से जो उसका वर्क बहुत ज्यादा कहीं एक्सेस हो रहा है मेंटली, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे केस में जिसकी अधिकता है हमें वहां से लेना चाहिए। मैंने कल भी परसों भी क्लास भी हुई हमारी जो हुई थी, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, आपको चीजें जबरदस्ती फ्रेम नहीं करनी होती, ठीक है? जो आपको सामने से मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, हमें वो उठाना होता है। तो हमें बहुत ज्यादा पैथोलॉजी में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंटल पैथोलॉजी उसकी अपने आप दिख रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही तरीका है कि आप काम करते रहो और घर में आग लग जाए आपको कोई मतलब ना रहे? नहीं, बैलेंस ये तो बहुत ज्यादा एक स्टेप की तरफ आप जा रहे हो, नहीं बैलेंस नहीं है ना, तो क्या हम ये चीजें नहीं देखेंगे? तो उसका जो इंटेलिजेंस है फॉर वर्क वो हम जरूर लेंगे, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बजाय इसके कि हम उसकी पैथोलॉजी पे बहुत ज्यादा इंफोसाइज करें। क्योंकि मान लो वेरिसेस ना होते कुछ और हो जाता, है ना, तो भी तो हमारा जो थिंकिंग सोचना है या जो हमारा लॉजिक है या हमारा लॉजिकल वे है टू सर्च आउट द मेडिसिन, वो यही रहता, वो थोड़ी चेंज होता, है ना? तो इसलिए हमें वो चीजें देखनी है जो हमें इजीली मिल रही है, सामने से मिल रही है। चलो अब आगे देखते हैं, एक डॉक्टर आलोक हैं, वो भी शायद क्लास में नहीं, उन्होंने उन्होंने दिया था पेन एक्टिंग। देखो ये बहुत अच्छा, वेरी गुड डॉक्टर आलोक जी के लिए। पहली चीज के उन्होंने सेंसेशन को समझा। जब हम बीवीसीआर मेथड पढ़ रहे हैं ना, हालांकि चाहे हम किसी से भी रिपर्टरी से भी उसको वो कर रहे हैं, लेकिन जो सेंसेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये इन्होंने सेंसेशन समझाया यहाँ पर, क्या सेंसेशन इन्होंने समझा कि ये एकिंग है, एकिंग क्या है? दुखन होती है। एकिंग दुखन, ये बहुत जरूरी है, एक ही समझना, ठीक है? ऑक्यूपेशन एम्बुलेशन, ये भी बहुत अच्छा रूपरेखा उन्होंने दिया। एक दो रूपरेखा इन्होंने अच्छे लिए। अब इन्होंने एक रूपरेखा थोड़ा सा अलग ले लिया, दैट इज जीलस। व्हाट इज जीलस, आप में से कोई बताएगा मुझे? बॉस किसी मतलब भी क्या है? काम में बहुत गन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीलस। और कोई बताना अति चाहेगा? उत्साहित। अति उत्साहित, तो और कोई बताना चाहेगा? जीलस बॉस की के आवाज आ लिए, रही है क्या डॉक्टर्स? हेलो आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ बॉस आ रही है हेलो। अब आए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था क्या कहीं पे ये लिखा है कि काम के लिए उत्साहित होना जीलस के लिए? नहीं ऐसा नहीं होता बॉस, किसी भी चीज के लिए उत्साही हो सकता है। पैशनेट हो सकता है ना? होगा बॉस। हाँ पैशनेट होगा तो वो सब चीजों के लिए होगा, काम के लिए तो नहीं होगा। लेकिन अपने अपने केस में क्या है, वो काम के लिए उत्साहित है सिर्फ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इज नॉट जीलस। हाँ इंडस्ट्रियस ले सकते हाँ हो आप, इंडस्ट्रियस ले सकते हो, ठीक है? कि वो लगा रहता है, जैसे मेरे ख्याल से ये अदिति ने लिया है, ये अदिति के रूब्रिक हैं, मैं उनको हाँ देख रहा हूँ।
इंडस्ट्रियस, पहला रूबरिक अदिति ने लिया, इंडस्ट्रियस बिल्कुल ठीक लिया, इंडस्ट्रियस आप ले सकते हो, बट जीलस इज सम डिफरेंट। कि जीलस में क्या है कि वो इतना पैशनेट है लेकिन वो पैशन उसका सब जगह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, रणवीर सिंह जो एक्टर है ही इज जीलस, वो जीलस है। चाहे उसके काम करने का तरीका देख लो, चाहे उसके मिलने का तरीका देख लो, चाहे उसके इंटरव्यू का तरीका देख लो, वो आपको जीलस दिखेगा। इज फुल ऑफ एनर्जी, है ना, एक्साइटमेंट दिखेगी उसके अंदर, वो कभी बुझा हुआ बात नहीं करेगा आपसे, ठीक है। तो ये होते जीलस। ये किसी एक चीज में नहीं है कि भाई सिर्फ मूवीज में तो दिख रहे हैं, इंटरव्यू में बड़े सुस्त टाइप के हैं, ऐसा नहीं, वो हर जगह ऐसे ही मिलेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्होंने लिया ऑक्यूपेशन एम्बुलेशन, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ब्लैडर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट नाइट, बिल्कुल ठीक लिया। स्टूल हार्ट, ठीक है। एंगर इजली, एंगर इजली क्यों लिया भाई, इसमें एंगर इजली कहां से बात आ गई बॉस, वो जब भी उसको खाने के लिए, हाँ बॉस बोल रही हूँ मैं, हाँ कि जैसे उसको खाने के लिए बोला काम करते करते, तो वो एकदम से ही गुस्सा हो जाता है, या उसको तो काम ये के बीच में टोक हो देखो जाता ये है। यही तो गड़बड़ है ना। जैसे उधर उन्होंने गड़बड़ किया, जीलस लिया, जीलस इज ब्रॉड वर्ड, है ना। आपने एक काम को लेके काम कर रहा है तो इंडस्ट्रियस है, वो जीलस नहीं होगा। ऐसे ही अगर एंगर इजली है तो एंगर इजली सब जगह दिखना चाहिए ना, वो हर काम में तो नहीं एंगर कर रहा ना, वो सिर्फ देखो यही यही चीजें हमें समझनी है, वो काम बिगड़ने पे, काम को छूटने पे गुस्सा कर रहा है, काम में टोक लगाने पे गुस्सा कर रहा है। ही इज नॉट एंग्री पर्सनैलिटी। कंफ्यूजन हो रहा था बॉस, पर मुझे लगा ये शायद कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। देखो यही यही समझना है ना हमें कि क्या कहाँ गड़बड़ी हो रही है ना। अच्छा नेक्स्ट चीज क्या है, वेरिकोज वेन, ये बिल्कुल सही लिया आपने। जब आपने वेरिकोज वेन ले लिया तो आप वेरिसिस ऑफ लेग मत लीजिएगा, ये बिल्कुल सही किया आपने। वेरिकोज वेन टॉप मोस्ट चीज लिया आपने, ऊपर की जनरलाइज, क्योंकि पैथोलॉजी हमें, जब बहुत ज्यादा पैथोलॉजी के ऊपर नहीं घुसे हुए हम केस में, तो पैथोलॉजी जनरलाइज ही लो, वहां गलती के चांस कम होंगे, ठीक है। और ये भी ठीक है आपने जो लिया है, ऑलमोस्ट रूब्रिक्स आर ओके। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो आपकी एनालिसिस है वो क्या है। एनालिसिस में आपके लाइकोपोडियम आ रहा है, मेसोमिका है, कैल्केरिया है, आर्सेनिक है, पूजा सीपिया, ठीक है। अब मैं इसमें देखो, अगर आप एंगर इजली नहीं डालोगे तो कुछ कुछ चीजें और चेंज होंगी, समीकरण चेंज होंगे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा क्या होंगे और चीजें निकल के आएंगी। बेसिकली आपने शायद नक्सोमिका बताइए, हाँ राइट, नक्सोमिका बताइए, चलो वेरी गुड नक्सोमिका। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो डॉक्टर प्रिया का, ठीक है। डॉक्टर प्रिया ने इंडस्ट्रियस लिया, वेरी गुड। वेरिकोस वेन लिया, वेरी गुड। देखो बेटा यही गलती करी ना आपने, प्रिया आपने वेरिकोस वेन भी लिया, वेरिसिस ऑफ लेग भी लिया। हेलो, हाँ जी बॉस, हाँ है ना, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना आगे से कि आप जब अपग्रेड चीज ले रहे हो तो इसके बाद ये वेरिसिस ऑफ वेग लेग्स लेने की जरूरत नहीं है। आपने वेरिकोस वेन ले लिया, इट्स वेरी गुड। इंडस्ट्रियस ठीक है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट एट नाइट ठीक है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो ओके, कि ऑन एंड ऑफ उसको रह रहा है। अच्छा एक्यूटी डिजायर का कहाँ इसमें मतलब है, एक्यूटी डिजायर कहाँ आ गया, ऑक्यूपेशन एम्यूरेशन क्योंकि वो मतलब, हाँ क्योंकि वो मतलब क्या कर रहा है वो, डिजायर इसलिए लिया क्योंकि उसको काम करने में मजा आ रहा है ना अपना, हाँ काम करने में मजा आ रहा है, लेकिन काम करने में मजे को एक्टिविटी डिजायर तो नहीं बोलेंगे। एक्टिविटी डिजायर मतलब कुछ ना कुछ काम करना, कुछ और कुछ अलग अलग एक्टिविटी करना, एक ही एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिविटी थोड़ी, वो तो उसका काम है, उसके लिए अलग रूब्रिक है ना अपने पास, उसको ढूंढो, इट्स नॉट प्रॉपर रूब्रिक ना। तो यहाँ हम थोड़ा सा लेटर, इट्स ओके कि आपने लिया है, इसको लेके भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट प्रॉपर रूब्रिक, जरूरत नहीं थी।
हाँ मतलब ठीक है, इससे बेहतर और अच्छा हो सकता है ना। मैं ये नहीं कहता कि इट्स ओके टोटली ओके, रॉन्ग, बट इससे बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है आपको दो चीजें ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो ये चीज बेहतर हो सकती है, एक वेरिकोज वेन जब आपने टॉप मोस्ट ले लिया तो उसका वो अलग से मत लो। तो ठीक वेरी है, सिलेक्ट नहीं लेना है, हाँ ठीक है तो यस ठीक ओके। है, तो आपने भी शायद नेक्स्ट का ही बोलिए, क्या बोला था आपने? नहीं बोला नहीं था, इसमें तो अच्छा आपने बोला स्टाइलिशिया नहीं, आ रही है और आपने इसमें तो, स्टाइलिश आ रही है। ओके हाँ स्टाइलिश आ रही है आपके में। ठीक लेकिन स्टाइलिशिया सारे सिम्टम कवर कर रही है ठीक है, तो आप स्टाइलिशिया के साथ अब, ये जाएंगे, कि उसकी फिजियोग्नोमी कैसी है, कोई उसके बात नहीं, ऊपर इट्स वो ओके। हम कैसा है, फिजियोनॉमी देख ही नहीं रहे इस समय, हम तो यही जो दिख रहा है बस, ओके इससे मैंने ओके क्या कहा ना, जो मिल रहा है हमें वो लेके चलेंगे हम, है ना। ओके ओके जैसे देखो अभी ये नेक्स्ट मैंने ये केस लिया विशाल चौहान का, विशाल जी ने बड़ा अच्छा चीजें ली हैं इसमें, देखते हैं हम। एंगर इंटरप्शन फॉर्म, ये पूरा रूब्रिक यही है क्या विशाल? इतना ही है रूब्रिक शायद, तो आई थिंक ये रूब्रिक पूरा नहीं है ना, जी ये भी इम्प्रॉपर रूब्रिक है। रूब्रिक सिलेक्शन इज गुड बट इम्प्रॉपर है थोड़ा सा, क्योंकि एंगर इंटरप्शन नहीं है उसको, एंगर इंटरप्शन इसके वर्क ड्यूरिंग है ना जो काम है, इससे भी अच्छा रूब्रिक हमारे पास है, मैं भी दिखाऊंगा। टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये अच्छा रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये किसी ने लिया, आपने लिया, वेरी गुड। इंडस्ट्रियस के साथ में टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। ऑक्यूपेशन एम्यूरेशन, देखो एक कितना अच्छी तरीके से इन्होंने चीजों को लिया है, बस एक ये थोड़ी सी मिस्टेक कर गए कि एंगर इंटरप्शन को ये ले गए, एंगर इंटरप्शन थोड़ा छोटा रूब्रिक है, इसके लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि एंगर इंटरप्शन माने कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो उसमें इंटरप्ट करोगे तो एंगर आएगा, ऐसा नहीं है उसके साथ, उसको काम से बड़ा प्यार है, जो काम कर रहा है उसके अंदर इंटरप्शन नहीं है। तो देखो बाकी जो रूब्रिक लिए बहुत अच्छे लिए आपने, ऑक्यूपेशन एम्यूनरेशन इंडस्ट्रियस टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये मतलब कुछ चीजें अच्छी पुट की, नहीं टसलस लेने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको हटा दो, ये इसको हम ना जब भी डील करते हैं तो बर्ड आई व्यू भी देखते हैं तो अपने आप ही थसलेस और थस्टी थस्लेस अपने आप निकाल देते हैं, चिली थस्लेस सब वो बाद में निकालेंगे। ये अच्छा किया आपने वेरिकोज वेन जनरलाइज लिया, वेरी गुड, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी भी आई थिंक नक्सोमिका आ रही है, लेकिन चूंकि इसमें पहला रूब्रिक आपका कवर हो रहा है, ये थोड़ा सा अगर हटाते हैं तो और भी मेडिसिन पीछे लाइन में है। मैं बहुत कैलकेरिया से ज्यादा कन्विंस्ड हूँ चलिए कैल्केरिया से साथ जाएंगे आप, वेरी गुड। तो हमारे पास कैल्केरिया हो गई, सलिशिया हो गई, सीपिया हो गई एंड ऑरम हो गई, है ना। अभी तक तो जो लोगों ने किया है यही है, और अगर जो अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पर इनमें से कोई अपना मत देना चाहे तो अभी दे सकता है, वरना फिर मैं इसमें पोस्ट करने जा रहा हूँ, तब तक आप सोचिए। हाँ कोई इसमें भी बताना चाहेगा और किसी का कोई और सजेशन, कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर मैंने रूब्रिक एनालिसिस डाल दी है, आप लोग भी देख सकते हो उसे और मैं बता भी देता हूं साथ के साथ। जिसके चलो बताऊं, हाँ बॉस, चलो ठीक है। देखिए इसमें मैंने सबसे पहला रूब्रिक लिया है, दैट इज माइंड डिस्टर्ब एवर्स टू बींग। एक था कि हमें जो आपका जो रूब्रिक था दैट इज इंटरप्शन, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, ठीक है, यहाँ पे एंगर वेंगर का कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे ये यह है कि जो काम कर रहा हूं उससे डिस्टर्ब अगर हो जाऊंगा तो मुझे एवर्जन, उस वो चीज नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। ठीक है, दैट इज डिस्टर्ब एवर्जन टू बी, ये एक नया रूब्रिक आप जोड़ सकते हो, अगर आपने कभी नहीं उठाया तो आप ले सकते हो, जैसे एक अच्छा रूब्रिक विशाल जी ने दिया ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, वो मैंने भी नहीं लिया था, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है ना, जी बॉस, ये समझ में आ गया। दूसरा जो आप सभी लोग ले रहे थे ऑक्यूपेशन एम्यूरेशन, कोई नई चीज नहीं है। तीसरा ये भी एक नया रूब्रिक है जो आप ले सकते हो, मतलब अभी तक किसी ने नहीं लिया इसलिए नया रूब्रिक बोल रहा हूँ, वैसे नया नहीं है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा,
कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट डन, जब तक काम नहीं होगा मैं रेस्ट नहीं करूंगा। जैसे उसकी बीवी ने बोला था ना कि खाना भी तभी खाएगा जब वो खत्म कर लेगा। तो मतलब क्या है, देखो हमारे पास रूब्रिक्स हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान देना है चीजों को, थोड़ा सा हम जितना ज्यादा और जिसे कहते हैं ना रिफाइंड वे में पढ़ेंगे तो हमें आपकी हर लाइन हर एक्टिविटी के ऊपर एक रूब्रिक हमारे पास होगा जो मोर एक्यूरेट होगा। अगर हम मेंटली लेके चल रहे हैं तो, जब हम फिजिकली केस को लेके चलते हैं तो हम सिर्फ जैसे बीबीसीआर का मेथड है बिल्कुल फिजिकली उसको लेके चलते हैं किसी चीज को, है ना। तो पहले आपको एक्सेस डिफाइन करना है, आप किस तरफ से चल रहे हो आप, और ये कैसे डिफाइन होता है, जो आपको केस में मिल रहा है। अगर आपको मेंटली मेंटल मिल रहा है तो भाई आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो मेंटल का है ना। जैसे आपको घर में बोला जाता है भाई कुछ बना दो, ठीक। अब सपोज दैट आपके पास पालक ही है तो पालक की सब्जी बनाओगे या पालक के ही पराठे बनाओगे या पालक का ही कुछ बनाओगे, यही है ना। अब अगर डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। ऐसे ही जितने ज्यादा रूब्रिक्स आपके पास हैं, फिजिकल भी है मेंटल भी है, तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, कहीं से भी एक्सेस को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो मेंटली मेंटल है तो आपकी मजबूरी है कि भाई आपको मेंटल से लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके फिजिकली फिजिकल है तो आपकी मजबूरी है कि आपको फिजिकल लेके चलना पड़ेगा, है ना। कोई चीज आपको जबरदस्ती पिक नहीं करनी, कोई चीज आपको जबरदस्ती पूछनी नहीं है, प्रेम नहीं करनी। जो पेशेंट से मिल रहा है, जो हमने रिसीव किया, वी आर द ओनली रिसीवर, हम एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग केस टेकिंग वी आर नॉट एम्पलीफायर। एम्पलीफायर और रिसीवर में अंतर समझ गए ना, हमने कुछ उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना, जो मिल रहा है वो रिसीव करना है, जो रिसीव किया उसको इनपुट डाल करके उससे एनालाइज करना है, ठीक है ना। स्टूल हार्ड लिया मैंने इसमें, देन यूरिनेशन फ्रीक्वेंट एट नाइट लिया, पेन लेग काफ एकिंग लिया, ठीक है, क्योंकि दुखन है तो दुखन बताना जो हमें मिला। और फिर एक्सट्रीमिटी वेरिसिस लोअर लिम, या आप जो वेरिकोस वेन ले रहे थे वो भी ले सकते। जब आप इन सब को लेते हो ना तो एकमात्र रेमेडी निकल के आती है, दैट इज सीपिया। अब मैं एक और चीज इसके अंदर और बताऊंगा, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज निकाली, नसुमिका निकाला, क्योंकि वो जीलस दिख रहा था, इंडस्ट्रियस दिख रहा था, सब कुछ अच्छा। आप इंडस्ट्रियस डालोगे ना इसके अंदर तो भी यही आएगी, आप वेरिकोज वेन डालोगे तब भी यही आएगी। ऐसा नहीं कि ये चीजों कवर नहीं कर रही, सब कवर करेगी, लेकिन जो चीजें नहीं कवर कर रही, जैसे मैंने बताया कि एंगर इंटरप्शन फॉर्म, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए हम, या जैसे इसका था एक्टिविटी डिजायर, इसको शायद कवर कर ली, हाँ कर ली, इसको तो कवर कर। तो बहुत चीजें जो ऑफ ट्रैक ही हो जाएगा तो भी बात अलग है, अदरवाइज ऑनलाइन तो ये कवर करेगी। लेकिन हमें सिर्फ कवर करने से मतलब नहीं, मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपका नक्सोमिका निकला, आपका सलूशिया निकला, ठीक है। अब मुझे, हम लोगों ने बीबीसीआर पढ़ा था, सिनोप्टिक की और बोगर को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफरिज्म नंबर 3, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज एंड व्हाट इज टू बी क्यूरेटिव इन दैट मेडिसिन। हम सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, हम केस लेते हैं, एनालाइज करते हैं, एवरीथिंग वी डन ब्यूटीफुली, बट एक चीज है एफरिज्म नंबर 3 के अंदर सेकंड पार्ट हम भूल जाते हैं, क्या, कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर क्या क्यूरेटिव है। भाई आपका एक्शन पैथोलॉजिकली उस चीज पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मुझे बता दो, ब्लड वेसल्स पे या सर्कुलेशन पे सीपिया, सिलिशिया, नक्सोमिका और ओरम, इनमें से सबसे अच्छा रोल किसका है? सर्कुलेशन पे बॉस, हाँ सर्कुलेशन पे, वीनस सर्कुलेशन पे, क्योंकि वीनस ब्लड है ना वो। सबसे अच्छा सर्कुलेशन रोल किसका है, वीनस सर्कुलेशन,
पिया दैट्स इट दैट्स इट, तो निकलेगा ही भाई, अपने आप ही निकलेगा। अगर वो हमारा, जैसे मैं आप ही के केस से लूं, ये शायद विशाल जी का केस है, विशाल जी के केस में नेक्स्ट नंबर पे थी, अगर आप खोल के देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, डिग्री 11 डिग्री कवर कर रही थी वो, सिर्फ एक सिम्टम कवर नहीं कर रही थी, मैक्सिमम सिम्टम कवर कर रही थी, नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे ही थी। अगर आप यहां से भी उठाओगे तो भी आएगा सीपीआर, क्योंकि नेक्स्ट नहीं है, सर्कुलेशन खुलेगी, ठीक है ना। अब आ जाओ अदिति के केस पे, आ जाओ अदिति के केस के अंदर भी देख लो आप, किसका है, नहीं सॉरी ये इसका है, प्रिया का, प्रिया के केस के अंदर भी देखो, है ना, इसके केस में भी देखो आप, सिलिशिया, कैल्गेरिया, लाइको और सीपिया, है ना। उसके बाद जाके देखो लेगेसिस पीछे आ रहा है, लेगेसिस आ रहा है, लेगेसिस पीछे आ रहा है, लेगेसिस भी कवर करता है, बट सीपिया के बराबर स्टेसिस किसी में नहीं होती। सीपिया इज नोन फॉर स्टेसिस ऑफ स्पेशली वीनस फ्लो, वीनस फ्लो ये लिख लीजिए कहीं पे, बहुत काम आएगा। सीपीआई इज नोन फॉर स्टेसिस, स्टेसिस की रेमेडी है स्पेशली फॉर वीनस सर्कुलेशन, क्योंकि हमें ये चीज भी तो ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। अब ये विका का है, इसमें देखो आप लाइको, नक्सोमिका, कैल्गेरिया, आर्सेनिक, पूजा, देन सीपिया, इसका भी सीपिया है लेकिन थोड़ा पीछे है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप डिग्रीज देखोगे, मतलब इसके नंबर देखोगे, तो 15 के बाद 14, 15, 13, 13 में सिर्फ दो ही रेमेडी हैं, कैल्गेरिया और सीपिया। तो आप इधर से भी देख सकते हो कि लाइको, नक्सोमिका, कैल्गेरिया और सीपिया में कौन आएगा, फिर सीपिया आएगा। मैंने आप कहीं से भी उसको घुमा के देखो, आपको आना सीपिया ही है, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी है। तो आज के क्लास में हमें क्या चीजें मिली, दो तीन नए रूब्रिक मिले सीखने को, ठीक है। दूसरा हमें ये मिला कि हमें कोई चीज फ्रेम नहीं करनी, आपने क्लास के बाद ये चीजें नोट कर लिया करो कहीं पर भी कॉपी में, कि कोई चीजें हमें आज का जो सेशन है उसके उससे हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो फाइंडिंग हमें मिली कि हमें कोई चीज अपने आप फ्रेम नहीं करनी, जो रिसीव हो रहा है वही लिखना है, मेंटल एस्पेक्ट से तो मेंटल में लेके चलना है, फिजिकल एस्पेक्ट से तो फिजिकल लेके चलना है। अगर मेंटल एस्पेक्ट से रूब्रिक ज्यादा है तो फिजिकल पैथोलॉजी का बड़ा रूब्रिक ले लो, उसकी बहुत ज्यादा उसके पर्टिकुलाइजेशन में नहीं घूमना, ठीक है, क्योंकि हम मेंटल जर्नल्स लेके चल रहे हैं। अगर हमको फिजिकल पर्टिकुलर मिल रहा होता तो फिर हम इधर नहीं जाते, क्योंकि उसमें फिजिकल जर्नल मिल रहा होता, फिजिकल पर्टिकुलर मिल रहा है, या मेंटल जर्नल और मेंटल पर्टिकुलर मिल रहे हैं हमें, मेंटल की अधिकता है तो वहां से हम फिजिकल जर्नल ही उठाएंगे बस, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ आप तक बात पहुंच रही है ना, तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट हमें क्या कि भाई व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, ये भी जरूर रखना है याद, जब हम केस की जिसे कहते हैं ना क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं, तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है ना मूवीज के क्लाइमेक्स में, क्या होता है हैप्पी एंडिंग होती है, सब लोग मिल जाते हैं, ओके ओके। तो वो हैप्पी एंडिंग करने के लिए हमें सबको मिलाना जरूरी है लास्ट में, हमें ये सम अप करके वहां पहुंचाना है कि क्या ये क्यूरेटिव पार्ट है मेडिसिन का, मेडिसिन इस पर वर्क करती है नहीं करती है, ये जरूर चेक कर लो, ठीक है। तो आज का था, मतलब व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट क्या क्या रहेगा, कहां पर चेक कर सकते हैं? अरे बच्चे आपने शायद क्लास नहीं करी बीबीसीआर वाली हमारी, अच्छा जिन लोगों ने क्लास नहीं करी है बीबीसीआर की, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल है, आप कृष्णा से बात करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है, और एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ, दैट इज बोगर सिनेप्टिक की, उसके अंदर सब कुछ दिया है, ठीक है। और बाकी जो मैं मॉर्निंग पिल लेता था उसमें मैं पढ़ाता ही था, अब मॉर्निंग पिल का टाइम मैं संडे संडे का 7 बजे का कर दिया है, तो वीकली हम लोग डोज लेंगे मॉर्निंग पिल की, ठीक है। और स्पेशली जो मॉर्निंग पिल के अंदर केस जो मेडिसिन डिस्कस करने वाली होगी उसको हम कोशिश करेंगे, उसका केस जो डॉक्टर बोगर का मैं लेता हूँ वो हम सैटरडे को ले लेंगे, ठीक है, तो और अच्छा होगा, एक 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 लाइन ऑफ एक्शन बनेगा समझने के लिए, ठीक है।
ठीक है तो ठीक है। होप सब लोगों बस को समझ में आया होगा आज का क्लास का। किसी को भी क्वेरी तो बता दो। बस एक दो हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, हेलो, बस एक 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 करके मैं बस, दीदी जैसे एक एक आपका करके रिलेशन का रिलेशन आ रहा वाला है पॉइंट क्यों ले रहा था? भैया, एक एक करके पहले कोई भी एक बोलो। स्टूल हार्ट मैं और बोलूं? यूरिनेशन वाला पॉइंट क्यों लिया, हाँ, यूरिनेशन वाला पार्ट क्या, क्यों क्यों लिया? बता लिया? रहा हूँ जी। भाई देखो, अगर आपको प्रेजेंट में कंप्लेन कोई दिख रही है तो ले लो, नहीं लेना तो छोड़ दो। नहीं लोगे तो भी क्या, मेरी मेडिसिन चेंज थोड़ी होने वाली है यार। वो तो मैंने कंफर्मेशन के लिए लिया, बस कंफर्मेशन के लिए कि मेरी मेडिसिन में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब उसको कवर कर। देखो, एकिंग इस समवट बिल्कुल पिक्यूलियर सेंसेशन था, मतलब मेरा बीबीसीआर यूज करते करते मेरे को ये हो गया है कि यार सेंसेशन मिलता तो लेना चाहिए, मोडलिटी मिलती है तो लेनी चाहिए, बस ये है और कुछ नहीं है भाई, है ना। अगर आप उसको नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, तो भी आपका निकल रहा है, वो मेडिसिन नहीं चेंज होने अच्छा, वाली। एक बहुत जी हाँ एक हाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ हाँ ये हाँ अप्रोच जो हम कर रहे हैं कि जी जी इतना मेंटल और जनरल लेकर, तो ये व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज दिस, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट सिमिलियम है या किस ये तरीके का भाई ट्रीटमेंट सिम्बलियम ही है, दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सिम्बलियम है, कुछ अलग थोड़ी है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिम्बलियम के 100 तरीके बताए। एक तरीका ये है, आपको जी फिजिकल पर्टिकुलर मिलता है वहां से भी निकाल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन सिम्बलियम कहीं से भी निकलेगा। हाथी को पैर से देखो, पूंछ से देखो, आंख से देखो, आवाज से देखो, हाथी हाथी रहेगा, हाथी चेंज नहीं होने वाला। हाथी के जो फुट मार्क्स हैं उनसे भी हाथी दिखेगा, है ना। जी तो बेसिक 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 हमारा क्या है कि हमें रेमेडी तक पहुंचना है, चाहे हमें मेंटल्स मिल रहे हैं वहां से लेके चलो, जबरदस्ती फ्रेम नहीं करना है ना। चलिए और कुछ ओके किसी को? हाँ, बस एक चीज हाँ ये प्रिया। पूछनी थी कि जैसे कोई पेशेंट आया है, जैसे वो कुछ लोग आते हैं जैसे कहते हैं मुझे आप इन्फेक्शन की दवा दे दीजिए, मेरे पेट में इन्फेक्शन है, चाहे हो कुछ दूसरी चीज, गैस हो या कोई और चीज हो, लेकिन हाँ वो हाँ आके ये बोलते हैं, तो इस चीज को क्या लेंगे? जैसे क्या मतलब, गैस हो कुछ भी हो, मतलब मैं दोबारा पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम है, पेट में कोई दिक्कत है, मतलब हाँ गैस हाँ की प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन है या हाँ हाँ लेकिन वो आके यही बोलेंगे कि मेरे पेट में इन्फेक्शन है, आप मुझे इन्फेक्शन की दवा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये देखो, ये तो आप ये बहुत ज्यादा जबरदस्ती, अब मैंने कहा ना, आप फ्रेम करना चाह रहे हो, फ्रेम मत करो। अगर वो इन्फेक्शन पूछ रहा है तो उससे आप क्लियर करो, आपको क्लियर करने के दौरान चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप वो गलत उसको इंटरप्रेट करके बोल रहा है, या वो, या आप फ्रेम कर रहे हो कि मेंटल रूबरी ये वाला बनेगा, ना ना ये नहीं करना, ठीक है ना। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह ठीक रही हो, है वो सब नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू आर नॉट एम्पलीफायर ऑफ द केस, यू आर ओनली रिसीवर ऑफ ओके द ओके केस। आपको जैसे मिल रहा है वैसे रिसीव करो, उसमें जो रॉ मटेरियल है, आप, मैं अभी अभी बताया तो आपको, आपके पास पालक के, पालक है तो पालक के पकौड़े दो, जबरदस्ती प्याज के पकौड़े देने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। ओके 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 हाँ, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, नहीं समझ में आया, टेंशन मत लो, इस एनालिसिस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, डेली के डेली केस करेंगे उसको, लास्ट में जिसका भी रह जाएगा। लेकिन मतलब मच बेटर है, मतलब माय माय रिक्वेस्ट फॉर यू इज दिस कि आप, मच बेटर है कि आप ऑनलाइन ही आ जाया करो यार। मैं टाइम निकाल सकता हूँ तो होपफुली आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको निकाल करके सामने सामने क्वेश्चनिंग हो जाएगी, मैं आपकी एनालिसिस भी स्टडी करता हूँ, उसको बताता हूँ जो चीज गलत है। तो इट्स बेटर वे फॉर करेक्टिंग अवर सेल्फ, बोथ ऑफ फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। इसलिए प्लीज जरूर ज्वाइन करा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल, कल मैं फिर डालूंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ते हो लेकिन यार प्लीज डाला करो, कम लोग डाल रहे हैं अभी, कुछ लोग डाल रहे हैं लेकिन कम लोग डाल रहे हैं, पार्टिसिपेट करो यार, थोड़ा मजा आता है ना, हमें भी मजा आएगा। चार चीजें हमें, देखो आज भी सब लोगों ने कुछ कुछ नया दिया, ऐसा नहीं मैं नहीं, मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सिर्फ दो, हो सकता है 2 किताब ज्यादा पढ़ ली हूँ आपसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, बहुत सारी चीजें, जैसे टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन वो विशाल जी ने डाला तो मुझे बस समझ में आया कि हाँ भाई मैं कुछ गड़बड़ कर गया, ये एक्स्ट्रा मैं डाल सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, किसी का कोई और क्वेश्चन?
नहीं बॉस। चलो तो हाउ इज द जोस? हाय सर। यस बॉस। ओके चलो ओके बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। गुड नाइट।